नॉट फेयर. वो क्या है, सभी चीज़ों को ना वो सोच के और जोड़ के किया जाता है. और एक बैग है ना, आप उसको बोलोगे लेफ्ट राइट और टर्न बैक, तो परेशानी है. तो उनको खुद को भी पता है किस तरह से परेशानी आती है. तो इतना मैनेज करना, और मैनेज करने के लिए भी तो उनको ये सोचना चाहिए कि साथ में कर रहे तो उसका बेनिफिट क्या है, पहले उसको रियलाइज़ करो. कोई भी कभी भी कोई भी एक्ट है उसको इमीडिएट वो रनवे पे ले आते हैं, उसके बाद में वो फ्लाइट तो उड़ जाती है, उसको टेक ऑफ कैसे होता है, फिर रुक नहीं पाता, फिर रुकना मुश्किल होता है. मुझसे बोलने में तो बहुत जल्दी में हो जाता है, आगे उसको कंटिन्यूस करना बहुत. तो क्या है, जैसा चल रहा है वैसे उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके एक साथ में सबको जोड़ लो, और ई बैंकिंग कर दो, हाँ कैशलेस कर दो, हाँ हर बात की मनमानी ऐसा नहीं. प्रैक्टिकली करके आप देखो ना उसको, आप प्रैक्टिकली करके देखो, खुद आप लाइन में खड़े हो जाओ, इतना अफोर्ड नहीं होता. आप अपना भाषण है वो आधा घंटा 15 मिनट दे सकते हो, एक घंटा नहीं दे सकते. विद इन 30 मिनट्स के बाद में तो भी आपके पैर दुखेंगे. बहुत अच्छी बात है, खर्चे बचेंगे, लोगों का टाइम बचेगा, मैन पावर बचेगा. और दूसरी बात ये होगी कि सरकार के एक ही खर्चे में सब निपट जाएगा. अगर इतनी सख्त प्रशासन रहेगी तो कुछ और भी फायदे हो सकते हैं लोगों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे भी हो सकते हैं, ये सब हो सकता है. वो तो थोड़ा कम कर देना चाहिए, उसको इलेक्शन के लिए बहुत सारा समय नहीं देना चाहिए, 15 दिन 10 दिन में करा लेना चाहिए. कोई बहुत ज़रूरी तो है नहीं कि एक महीना कन्विंसिंग करो तमाम. अभी पहले तो था लोगों के घर जाके बात करते थे, तमाम तरीके के साधन हो गए हैं, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब, आप लोग हो, तो ये तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा सबके पास. मतलब मोदी जी ने जो निर्णय लिया है कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ में होनी चाहिए, ये सही निर्णय है, क्योंकि लोगों का मत एक तरफ से सही पड़े और मतलब अच्छे उम्मीद मतलब अच्छे उस पे जावे. ये नहीं कि अलग अलग कैंडिडेट होवे, लोकसभा में अलग कैंडिडेट होवे, विधानसभा में अलग कैंडिडेट होवे, लोगों का एक मतलब एकजुट होकर के मत पड़ेगा ना, तो सही निर्णय होएगा, सही काम होएगा. और विधानसभा में जो निर्णय होएगा वो भी लोकसभा में एक साथ में पास होएगा, कोई भी बिल अटकेगा नहीं, लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा, अच्छी सहानुभूति मिलेगी और अच्छा देश का विकास होएगा. और यही देश के हर नागरिक को इस सरकार से उपेक्षा है, और आने वाले समय में मतलब ऊंचाई पे हमारा देश आगे बढ़ सकता है. मोदी जी की यही परिकल्पना है.